हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था कि हम कबीनी में हैं एंड यहाँ पे हम नागरहोल टाइगर रिजर्व में हैं। यहाँ से सीधा अगर जाएंगे तो हम JLR पहुँच जाते हैं, जंगल लॉज रिजॉर्ट। सो द थिंग इज, यहाँ से तो बस सफारी मिलती है। जो बस सफारी ही इज लाइक 600 पर पर्सन एंड सुबह होती है और एक शाम को होती है। तो JLR में यहाँ पे तीन पैकेज होते हैं, जो ये जंगल लॉज रिजॉर्ट बोलते हैं इसको। तीन पैकेजेस हैं, एक तो टेंट का पैकेज है, एक महाराजा और एक वाइसराय। इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं। देखो आप ये दिखा दो जरा, राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं। ये जो रूट है इसका शायद अलग हो सकता है। एक जो सफारी है बाय जीप सफारी, दैट इज ओनली डन बाय द JLR। बेसिकली ये गवर्नमेंट ओन्ड है, आपको वहाँ पे कन्फर्म स्टे लेना पड़ेगा और तभी आपको वहाँ पे जीप सफारी मिलेगी। और वहाँ का जरा रेट बताना क्या है? रेट थोड़े बहुत ही नया है, सो मिनिमम रेट भी आपका 20,000 रुपये है पर नाइट। सो जब गौरव ने मुझे बोला ना कि भैया 18 से 20 हज़ार है, तो मैंने कहा किस चीज़ का है? कहते वहाँ पे टेंट भी है। मैंने कहा बट दिस वेकेशन इज़ नॉट काइंड ऑफ कैंपिंग वेकेशन। एक मूड से आप आते हो हर वेकेशन में कि भाई आपको इस वेकेशन में ये करना है। एक वेकेशन है एडवेंचर वाली, एक वेकेशन है रिलैक्सेशन वाली। ये वाली रिलैक्सेशन वाली है। सो आई वॉज नॉट इन अ मूड टू कैंप, तो मैंने गौरव को मना कर दिया भाई कैंप्स वैम्प्स में तो मैं बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे दूसरे वो कॉटेजेस भी होते हैं, बट कॉटेज की कॉस्ट इज अराउंड लाइक 39,000। जो महाराजा कॉटेज है और वाइसराय कॉटेज थोड़ा और सस्ता है, थोड़ा सा सस्ता है। तो दे अलाउ लाइक टू सफारीज देते हैं, एक आपको मॉर्निंग सफारी, एक आपको इवनिंग सफारी टाइप्स, और एक कोरैकल राइड होती है। बेसिकली इन प्लेस ऑफ सफारी, वन सफारी यू कैन टेक कोरैकल राइड। और जो मुझे पता चला है वो ये है कि यहाँ दो जोन्स हैं, जोन ए जोन बी। तो आपको कन्फर्म्ड, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही जोन में आपको साइटिंग मिलेगी। तो बेटर ये है कि आप दोनों सफारी करिए रादर देन हैविंग अ कोरैकल राइड, बिकॉज कोरैकल राइड तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। हम लोगों ने होगनेकल में करी थी कोरैकल राइड। तो इट इज़ लाइक ओके यार, आई मीन आप थोड़ा सा शीतलता महसूस कर लो वाटर की, और कुछ और मिल सकता है वहाँ पे, कोई और जानवर भी मिल सकता है। और एक चीज बताओ जो मुझे बता रहे थे कि अगर आप दूसरे लॉजेस बुक करते हो। हाँ, अगर आप दूसरे लॉजेस बुक करते हो तो आपको एक्चुअली इसी में आना है, यहाँ पे ही आना है। ठीक है, बस में ही आना है। अब ओनली थिंग इज कि इनके पीछे से कोई सेटिंग हो तो एक अलग चीज है, बट आई डोंट थिंक सो दैट जनरली हैपेंस। अगर आपका जंगल लॉज रिजॉर्ट अगर फुल है या बुक्ड है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर खाली जा रहा होगा तो प्रोबेबली दे माइट चार्ज यू सम 1,500-2,000 रुपये लेकर चार्ज कर देंगे, जैसे बहुत लोगों ने बताया है पहले। तो अब ठीक है, देखो यार, अब हम तो ये करना चाह रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। सो मैं आपको ये बता दूं कि कबीनी फेमस किस लिए है। एक तो यहाँ पे टाइगर साइटिंग होती है, अच्छी होती है, बट चांस की बात है नहीं हुई तो नहीं हुई, हमारा लग वैसे ही ख़राब है इसमें। सो दूसरा चीज़ कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर है। ब्लैक पैंथर है यहाँ पे, सो वो भी कभी कभी साइट होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं कि वर्ल्ड में ही उनकी पॉपुलेशन ऐसी है कि वो आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, इतनी कम है उनकी पॉपुलेशन। बाहर से फॉरनर्स आते हैं यहाँ पे स्पेशली, एक एक हफ्ता 10-10-15 दिन रुकते हैं स्पेशली उसको स्पॉट करने के लिए। आपका 2,00,000 रुपये यहीं उड़ गया। उनका उड़ गया 2,00,000 रुपये। तो देखो हमारा तो लक इन चीज़ों में अच्छा नहीं है, हम तो फन के लिए जा रहे हैं, हम एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। तो एक सफारी का एक्सपीरियंस जो था हम लोगों ने शायद आई थिंक हमने कवर किया हुआ बांदीपुर का, मधुमलाई का वीडियो बने हुए हैं, तो आप देख लो। उसमें हमें कुछ नहीं मिला, और हमें डियर और बाइसन के अलावा कुछ नहीं मिला। भालू दिखाई दिया, कभी रात में दिखाई दे जाता है, कभी कुछ दिखाई जाता है। एक चीज़ और है कि ये टाइम एक्चुअली टाइगर साइटिंग या एनिमल साइटिंग के लिए बहुत कम है, क्योंकि ये अभी ठंड का टाइम है। और कहते हैं कि जो कोर एरिया होता है ना उससे बाहर नहीं निकलते जानवर, क्योंकि वहीं पानी मिल जाता है। अगर पानी वहाँ कम हो जाएगा तो फिर वो लोग अदर बाकी जगह आते हैं। तो आप ये समझ लो कि अप्रैल और मई में ज़्यादा अच्छा जो स्पॉटिंग मिलती है। बट आई मीन एज सच मैंने जो लोगों से पूछा है, लोगों को अभी भी टाइगर स्पॉट होते हैं। सो बट लक की बात है, बैड लक हमारा ऐसा ख़राब है। राइट। सो अभी कुछ 1.5 बज गया है। ओके, मैं इस एरिया एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे खाने के लिए आसपास कुछ भी नहीं है। तो बेटर ये है 5 से 7 किलोमीटर पहले है। हाँ, बट आप ये है कि बेटर है कि आप कुछ लंच पैक करके लेके आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज यहाँ आसपास कुछ नहीं है। एंड डू नॉट लिटर। हाँ, लिटर तो मत कीजिए, वो तो है ही है। बाकी यहाँ पे 4 बसेस खड़ी हैं एंड दीज आर द वॉशरूम्स। वॉशरूम्स क्लीन है अंदर से, लेडीज जेंट्स का दोनों का वॉशरूम क्लीन है। वीडियोज अगर अच्छी लग रही है अभी तक की, लद्दाख की सीरीज, कोस्टल कर्नाटका की सीरीज एंड नाउ दिस
कबीनी एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व की सीरीज़ बोल रही हूँ। अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो। सिंस दिस इज़ अ स्मॉल चैनल सो एंगेजमेंट से चैनल को पुश मिलता है, वीडियोस रिकमेंडेशंस में आती हैं, यूट्यूब थोड़ा प्रमोट करता है। सो डू हेल्प अस, सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग। सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाय सब्सक्राइबिंग कमेंटिंग, अभी आप जो जितना भी आप कमेंट कर सकते हो आप कर सकते हो, करो। आप देखो, कई लोगों को अच्छी लगती है कई चीज़ें, कई लोगों को नहीं लगती अच्छी चीज़ें, तो मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या चीज़ है। एंड हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं तो हम ये बताते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, मतलब अब जैसे गाड़ी के बारे में बताना है तो हम अपना यूज़र एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और एक आधे को और कोई क्वेश्चन आया था, आई थिंक फॉर दैट ऑल्सो मैं आज ही बता दूंगा, तो कि भाई हमें टाइम कैसे मिलता है। देखो अभी हमारे पास छुट्टी अवेलेबल है, हमने छुट्टी ली है तो नहीं, एक्चुअली मैंने गौरव की छुट्टी करवाई है। एक तो एनिवर्सरी वीक था फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा ही वॉज सो टाइड अप। मैंने कोस्टल कर्नाटका की सीरीज में आपको बताया भी था कि भाई इनका जनवरी से बहुत ज़्यादा बिजी है, सो हम दिसंबर में ही निकल गए घूमने। सो इस चक्कर में मैंने इनकी दो छुट्टी एटलीस्ट करवाई है, बिकॉज आईज देखो इनकी अभी भी रेड हो रही है। लुक एट द आईज, रेड हो रही है। सो मैंने कहा थोड़ा स्क्रीन टाइम से ब्रेक लेना ज़रूरी है, घूमने चलते हैं, लेट इट बी। दो दिन की छुट्टी आप अफोर्ड कर सकते हो, ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा इससे। नहीं, मैंने अपना ऑफिस का काम करके आया हूँ, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लोगों को दे दी, भैया तुम देख लो अपने आप। हाँ। तो बस डेलीगेशन कर दिया, बस अब काफी है। हाँ, जो जूनियर्स थे उनको पकड़ा दिया, काम ले लो भाई तुम कर लो। चलिए अब सफारी का वेट करते हैं, टिकट लेते हैं, बट सबसे पहले ये ऑनलाइन को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है अपना। भाई सैटरडे संडे आ रहे हो तो सस्ता पड़ेगा, ये देख लो। मंडे टू फ्राइडे में आ रहे हो तो महंगा पड़ेगा। चलो भाई, आफ्टर 2.5 आवर्स ऑफ वेटिंग बस में बैठ गए हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी बस राइड में सफर होने वाला है, और इंग्लिश वाला मुझे अपनी किस्मत पर पूरा विश्वास है कि कुछ नहीं दिख रहा है। इंग्लिश वाला सफर होने वाला है, हिंदी वाला सफर नहीं। गोली को बाय बाय करते निकलते हैं। ये रही गोली, चलो बाय बाय, निकल रहे सफारी के लिए। हम अभी ये देखो छोटा करता हूँ, ये नागरहोल फॉरेस्ट के अंदर घुस गए हैं और टाइगर रिजर्व में, और ये हम ये हाले मगे के पास हैं। हो सकता है ये हमें घुमा के लेके आए यहाँ से पूरा। ओवर एक्साइटेड बंदा देखो, कुछ नहीं दिख रहा बट स्टिल कुछ दिखा, कुछ दिखा। यहाँ पे भी वाटर सोर्स के पास रुकी है, बगैर कुछ नहीं है, कुछ जीप्स भी रुकी हुई हैं यहाँ पे। सभी लोग कर रहे हैं, नहीं मिला। मैंने कहा था ना किस्मत जबर है हमारी। हमें अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। सारे लोग बोल रहे हैं, जो भी जा रहा है सफारी से आ रहा है, सब मना कर रहे हैं, चाहे जीप वाले हैं, कैंटर वाले हैं, बस वाले हैं, सब हाथ हिला रहे हैं, भैया नहीं मिला। दूसरे रूट पे जा रहे हैं, बाइसन वाले रूट पे। ओ
बाइसन बाइसन कट्टे फॉरेस्ट से निकल के अभी अभी ये आगे ककन कट्टे फॉरेस्ट में जाएगा, दिखाते हैं। अभी देखते हैं टाइगर मिलता है नहीं मिलता, टिगर मिल गया नहीं तो देखो हम टाइगर टूट के मानेंगे, आज नहीं तो कल। ये जो मास्क पहना हुआ है ना कोरोना के लिए नहीं पहना हुआ, इतनी मिट्टी उड़ रही है भाई, मास्क मतलब खुद को बचाने के लिए इतनी मिट्टी अंदर जा रही है ना, पूरा फोन आज आज सब मिट्टी से भर चुके हैं। ये सफारी दूसरी साइड है गांव, यहाँ का टाइगर होगा नहीं, ये वो है इससे ब्लॉक सफारी लॉज बता रहे हैं के ऊपर ही नाचते थे याद है
I can't believe Tiger picture. Oh shit, it is passing through. This thing is humongous. First time the ice that passed through. देख रही हूँ, खुले हैं. Oh my god, camera is not doing the justice. Oh my. Miss. They are taking the bus back. Thank you, thank you, thank you. Shit, yaar. अंदर गया, अंदर गया. कहाँ गया? दिख नहीं रहा. वो गया, वो गया, वो जा रहा है. My God. This is my first time. बस में तो क्या पैसा हो गया. Yeah. I'm shaking. मेरे hands shaking कर रहे हैं. सच में ये deep है यार. Directly went to the temple tank. We will get a good post there. Okay, okay, okay. Okay, चलो tiger trace हो गया. Tiger को पीछे पीछे जा रहे हैं. Oh my god, tiger के पीछे पीछे जा रहे हैं. वहाँ पे अच्छे poses हैं. Shit यार, shit, shit. ये देख. Tiger has 4 cup. No, no, no. समझ लो. Okay. Dark water female. Okay. और यार deer भी घूम रहे हैं. अब बस उसको ट्रेस कर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं. हमारी बस को सबसे पहले मिला है. अब पीछे पीछे सब लोग आ रहे हैं. और बहुत क्लियर व्यू, मतलब मैं यहाँ विंडो में बैठी हूँ और वो वहाँ से आ रहा था. ऐसे था ऐसा हो गया था कि लास्ट में जाते जाते पता था कि भाई टाइगर नहीं मिलेगा. बिल्कुल बस पहुँचने वाले थे ना हम लोग लास्ट में. ये देखो बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है, इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ. देखो सब लोग जा रहे हैं वहीं पे, क्योंकि वो वाटर सोर्स पे जा रहा है टाइगर टेंपल पे. तो वहाँ पे कैसा है ये. आई एम स्टिल शिवरिंग. दिस रेन ड्रॉप साइलेंट. Who saw the tiger first? This person. Who? Oh, you are the one. Good. Here, Silva. Hello. The speed of the bus. उसको chase कर रहे हैं and also बोल रहे हैं कि leopard भी आएगा. Can't believe. वाटर सोर्स तो हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट वेट कर रहे हैं. और यहाँ पे होड़ मची हुई है, कौन पहले देखेगा. 1 2 3 4 5 ओ माय गॉड, देयर आर 7 बसेस कैंटर्स.
का वेटिंग गेम। ये मंकी है, दिस इज कॉलिंग। क्या है अगर वापस मुड़ गया आ रहे ऊपर खड़ा ऊपर खड़ा शिट यार मुख नोड़े इतना कुछ यार हार्ट अटैक आ गया मेरे को तो अब वो तो उस तरफ चला गया। अरे यार बाद में बात करते हैं, अभी तो ये ओवरवेलमिंग फीलिंग है। मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया, इतनी फोटोज इतनी वीडियोस खींची उसके बाद ऐसा आ गया भाई साक्षात भी तो देख ले उसको, छोड़ के उसको ऐसे ही देख रहे थे हम लोग। कैसा मेरा मेहनत का पसीना? अरे बट मैंने बहुत लिए यार भाई, सच्ची में किस्मत जबर निकली भाई, बिल्कुल मजे आ गए। मैंने बहुत लिए, मैंने ही लिए बहुत सारे, मजे आ गए। लग रहा है इसका मेमोरी कार्ड भी फुल हो गया होगा, पता नहीं। मैं तो बहुत फोटोज लिया। ये देखो गौरव टीयर को टाटा कर रहे हैं। वो टर्टल अभी भी वहीं पे है, वो स्टैचू बना पड़ा है, स्टैचू बना हुआ है वो। So here we have Chennakeshwara ji and family with us, and so we were successful in sighting the tiger 2 times. So it was like, it was really nice. I think going to JLR and getting a safari also, I don't know, I mean these guys have experience, and for me it was first time going in a bus safari with no, क्या बोलते हैं उसको, नो एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशंस, और हमको 2 बार साइटिंग मिल गया। सो 2 times वी साइटेड द टाइगर, इवन दे वर लकी दैट दे कॉट दिस बस राइड। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर विद JLR? JLR फैसिलिटी इज गुड, एक्सपेंसिव
But citing that Rajiv Gandhi people are better. Okay. Citing, yeah. Because they don't have the limitation. Mm-hmm. They can go for A zone, B zone. They don't have any limitation because government. But in jungle lodges, they got limitations. They cannot go to A, B, A zone, B zone. All they right. got limitations. But I mean, both of them are good. But these people are able to show many animals. No, I think even JLR tries to go inside. Do they have inside routes? So they're just allowed to go one zone at one a zone. Time. But I mean, they also try a lot from their end. No, that's but there. Facility but wise, food wise, that very good. JLR is very good. Of course, you will not find food anywhere there. Yeah, very good. So very good. I think that is very much recommended. No, I think even when we were trying in the morning, they were trying a lot to look for. I think you only go to JLR only for experience of the river safari or whatever. If the coracle ride, I think you didn't take that, but that would have been a nice part. I mean, but only safari, this is cheaper. Rajiv Gandhi is cheaper. No, I mean, this was like something I just see that no other vehicle was there around when we sighted a tiger like that. Our bus was lucky. Haan, this nice. One number. ये वाला बल ये था ना. G0101 bus is very lucky. Yeah. So next time when you are coming, go for this bus. अरे वो उसको क्या वो how ticket? Yeah. Depends upon the ticket. Yeah, depends upon the ticket. But the driver was really fantastic. Fantastic. Yeah. So good, sir. Good. So thank you. So I'll send my YouTube channel also. So you will be featuring on our YouTube channel. So, thank you. Thank you. Have a nice thank day. You. Ji. Bye. Okay. Bye. Nice bye. Thank you. You. Jungle safari, tiger safari. Literally, मजा अब मैं बोल रही हूँ tiger safari because. ये थी टाइगर सफारी यार, ये थी. आपने अभी तक कम्युनिटी पोस्ट में पिक्चर्स देख ली होंगी. ऐसी एक्साइटमेंट थी मैं बता नहीं सकती. फर्स्ट टाइम अगर आप जंगल सफारी गए हो और आपको फर्स्ट टाइम में ही टाइगर मिल जाए, वो भी तब टाइगर मिले जब आपको उसको देखने की उम्मीद नहीं है, आप वापसी आ रहे हो. यार मैं तो सो रहा था लास्ट के 10 मिनट में. मैं तो सो रहा था, किसी ने एकदम से बोला कि भाई टाइगर पीछे सवार. फिर मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करना है. फिर देखा मैंने कि वो भाई वो तो यूरिनेट कर रहा है और अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा था. मतलब आप सुन हो जाते हो यार, ऐसी हालत हो जाती है. इतना बड़ा टाइगर था, मतलब फोटोज में तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें. मतलब टाइगर को जब आप रियल में देखते हो ना, पता चलता है शेर शेर क्यों है. ये देखो, ये काबिनी रिवर दिख रही है यहाँ से पूरी. क्या बढ़िया लग रहा है. होपफुली हम कल शायद यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं कल कैसा रहेगा. हाँ, तो कैसा रहेगा. बहुत सुंदर लग रही है. एक्चुअली यहाँ पे बर्ड वॉचिंग भी होती है, बट हमारे पास अभी बाइनोक्यूलर्स नहीं है. दिस इज द बेस्ट सीजन फॉर बर्ड वॉचिंग. ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला, आई थिंक आधे घंटे से भी ज्यादा लंबा होने वाला. अगर लंबा होता है तो मैं टाइगर के जितने भी शॉट्स हैं, क्लिपिंग्स हैं, काट काट के मैं अलग से वीडियोज में डाल दूंगी. बिकॉज यार हम इनसेन पागल हो गए थे. लोगों के कैमरे भर गए, 64 GB के मेमोरी कार्ड्स भर गए. इतना लोग पागल हो गए थे टाइगर को देख के. पहले तो इतने 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 क्लिपिंग्स लिए हैं, इतने क्लिपिंग्स मैंने खुद ने लिए हैं यार. मुझे लग रहा है कि टाइगर का शॉट क्या आया है वो पता नहीं है मेरे को, बट हाँ मैं कोशिश कर रहा था. पसीने पसीने ऐसे पसीने चो रहे हैं लिटरली. इतना एड्रेनलिन रश था. खाना नहीं खाया भाई, देख लो आज सुबह से खाना नहीं खाया. आज हमने सुबह बस इडली करा नाश्ता, और आज अब घर जाके हम करेंगे. इनकी शेप्स देखो यार पेड़ों की. बीच में गौरव को काटा है मैंने, बिकॉज एकदम से ये शेप्स आई है पेड़ों की, और अजीब सी लग रही है, खतरनाक लग रही है यार. गाइस भाई, आज मैंने किस्मत को बोला था, किस्मत जबर है हमारी. किस्मत ने बोला तुम हमें टॉन्ट कैसे मार रही हो, चलो तुम्हें दिखाते हैं किसकी किस्मत जबर है. सच्ची में यार जबर कर दी किस्मत. नहीं यार, मैंने को ना एक मिथ जो ब्रेक आज हो गया है कि हाँ. लोग जो बोलते हैं कि भाई रणथंबोर में होता है टाइगर, ये इसमें बांदीपुर में होता है. अरे यार मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा हमें लोग मिले हैं जो कहते हैं कर्नाटका का हर हफ्ते आते हैं वो लोग, हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते साइटिंग होती है. It's that हमें kind of बांदीपुर thing. में साइटिंग नहीं हुई, हमें मधुमलाई में साइटिंग नहीं हुई, बट हमें यहाँ पे साइटिंग हुई जहाँ हम फर्स्ट टाइम आए. और हम कबीनी में रुक भी नहीं रहे हैं, हम मैसूर में रुक रहे हैं. 35,000 रुपए बच गए हमारे, 35,000. यहाँ पे JLR का जो रूम है पर पर्सन इज 18,000 रुपीज, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड टाइगर सफारी. बट जैसा कि अभी आपको हमने क्लिपिंग दिखाई, वो ऑलरेडी JLR में वन नाइट स्पेंड करके आए हैं. उन्होंने बोला कि उनकी जो जीप्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट ये वाले जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑथोराइज होते हैं, एंड दे कैन गो एनी वेयर, दे कैन रोम अराउंड इन द जंगल एनी वेयर. सो और बहुत तसल्ली से, मतलब आप सोचो 3:30 से लेके अभी 6:30 हो रहे हैं, हम तब जाके फ्री हुए.
इतनी लंबी सफारी में 35,000 के मजे, एग्जैक्टली 600 रुपए पर पर्सन, ऐसा हाल था. और मतलब इतना मजा आया यार. सैटरडे वाली सफारी का हमने सुना है, जो वीकेंड वाली सफारी होती है वो एक डेढ़ घंटे में निपटा देते हैं, बिकॉज रश काफी ज्यादा होता है. लग रहा है कि शायद नई साइटिंग ज्यादा नहीं, साइटिंग नहीं, रश ज्यादा होता है. वीकेंड होता है ना, वीकडेज में होता है कि रश कम होता है, इसीलिए वीकडेज की टिकट भी महंगी है, बिकॉज सफारी का टाइमिंग लंबा हो जाता है. ये लोग बहुत तसल्ली से दिखाते हैं, और जब टाइगर दिख जाता है ना, आधा पौना घंटा ये लोग वहीं टिक जाते हैं, अपनी बस जीप वीप वहाँ से हिलाते तक नहीं है. मतलब आपको जितनी फोटोज लेनी है तसल्ली से देखो, जब तक वहाँ से टाइगर उठ के चला नहीं जाएगा ये लोग हिलेंगे नहीं. इस तरीके से है, सो मच सेटिस्फाइड विद देम. आई मीन आज हम कौन सा होटल में रुक रहे हैं? रेडिसन ब्लू होटल. रेडिसन ब्लू है, हाँ, रेडिसन ब्लू. रेडिसन ब्लू होटल. अब एनिवर्सरी थी यार, मुझे कुछ कंफर्टेबल स्टे चाहिए था. सीरियसली मैं तो गौरव को बोल दिया मैं वो कुछ ऐसा नहीं चाहिए. और मैं ना कबीनी आने को, मुझे ये था कि कबीनी में रुकना है, बट यहाँ पे टेंट वेंट थे जो मुझे नहीं चाहिए. कबीनी में सिर्फ JLR ही जंगल लॉज रिजॉर्ट एक्सपेंसिव नहीं है, बाकी और भी जितने लॉजेस हैं रिजॉर्ट्स हैं वो भी एक्सपेंसिव है. हमने और भी एक दो पूछे थे, 12,000-15,000 तो भाई 50,000 पहुंचा हुआ था, उससे ऊपर था इवॉल्व. पता नहीं किस किस लिए है वो, दो नाइट्स का 50,000 से ऊपर, दो का या सिंगल नाइट था? सिंगल नाइट का ही था. 50,000 से ऊपर पहुंचा हुआ था भाई. हम आपको बोलते हैं कि हम लास्ट मोमेंट पे चलते हैं, और अब हम देखो लास्ट मोमेंट पे हम आए. आज बिल्कुल भी वो नहीं था कि मेरे को मूड नहीं था, कि समझ नहीं आ रहा था कि शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा. आपको पता है लोग हैरान थे बस में ये जान के कि हमारी फर्स्ट टाइगर साइटिंग है और हमारी फर्स्ट टाइम सफारी है. They were saying you people were really lucky. मैंने कहा भाई हमारा जिंक्स टूट गया, हमें बांदीपुर में नहीं दिखा, मधुमलाई में नहीं दिखा, राजा जी नेशनल पार्क में नहीं दिखा, जो ऋषिकेश में है वहाँ पे नहीं दिखा, बट यहाँ पे दिखा, जहाँ पे वो उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि भाई अब तो सफारी खत्म होने का टाइम आ गया. 5:30 हो रहे हैं, 5 बज रहे हैं. हाँ, अब तो ये हम ना ऐसे बस ऐसे ही देख रहे हैं, वो जो होता नहीं है एक बस दूर ऐसी बिना फोकस किए देखते जा रहे हैं, वैसे देख रहे थे. तब पीछे से आवाज आई, टाइगर. भाई एक्साइटमेंट ना नेक्स्ट लेवल हुई हुई है. सो चलो होटल जाके मिलती हूँ, होटल का शॉर्ट टूर आपको दूंगी और ये वीडियो खत्म करूंगी, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी एक्साइटमेंट से पता चल रहा होगा, सब्सक्राइब करो, चैनल शेयर करो. सब्सक्राइब नहीं कर रहा यार मैं. अगर आप हमसे रिलेट कर पा रहे हो तो चैनल को शेयर करो, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करो, फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी स्टोरीज अपलोड हो चुकी हैं, वीडियोस लेट आ रही हैं नेचुरली. छोटी मोटी स्टोरीज को जाके सब्सक्राइब करो, शॉर्ट्स देख लो वहाँ पे, क्योंकि वो भी मैंने साइमल्टेनियस डाल दिए हैं. इवन मैंने इंस्टाग्राम पे आज का फोटोज भी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं चेक किया है. कम्युनिटी पोस्ट अपलोड की है विद टाइगर फोटोज, जो मेरी एक्साइटमेंट ऐसी थी ना कि भाई मैंने उसी टाइम किया, उस बिना डिले ऐसे किया. उफ भाई यार, लाइक कर दो यार, लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना. देखो इस सीरीज का हम बनाते हैं 100 likes पर वीडियो, मुझे चाहिए 100 likes, बिकॉज देखो व्यूज आ रहे हैं, 200-300 व्यूज हर वीडियो पे आते हैं. इसमें आप इतना सपोर्ट कर सकते हो, एक लाइक और एक कमेंट प्लीज कीजिए. हमने ना ये जो एनिवर्सरी वीक था थोड़ा ऐसा सा ही रखा था कि भाई ज़्यादा हौच पौच नहीं चाहिए. मैसूर हमने घूमा हुआ है इसीलिए हम मैसूर में आए. एक्चुअली जाना कबीनी था, बट कबीनी सुपर डुपर एक्सपेंसिव था, तो इसीलिए मैसूर डिसाइड हुआ. और मैसूर में भी हमें रेडिसन मिल गया फॉर सम रीज़न, पता नहीं लास्ट मिनट बुकिंग पे हमें मिल गया कि भाई रेट्स काफ़ी अच्छे मिल गए. फिर आपको गौरव रूम में जाके बताएंगे कि रेट पे कितना मिला है, आप हैरान हो जाओगे देख के. अब चलो यार थोड़ा सा प्रीमियम लग्जरी भी ले लेना. सही बात है, आपको बोला था ना नेक्स्ट टाइम लग्जरी टूर होने वाला है. ये लेजर वाला टूर है और ये लेजर टूर है. दिस इज द प्रॉपर्टी, मेन डोर यहाँ से है. यहाँ पे लग रहा है कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, बहुत ज्यादा रश आया हुआ है. या तो कोई यूट्यूबर आया हुआ है बहुत बड़े वाला, या फिर के लिए इतनी भीड़ नहीं होती. होती है, क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं भागे. हाँ हाँ होती है, या फिर कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है. चलो भाई गाड़ी पार्किंग को दी है, पहले हम नीचे निकल गए थे. Check
इन करवा रहे हैं, मैंने सोचा कि महाराजा सीट्स पे बैठ जाती हूँ यार। ऑसम भाई, दिस इज द ह्यूमंगस लिफ्ट। हाँ जी, तो हमें कार्ड पकड़ा दिया गया है। सबसे पहले बाथरूम ही देख लो, चलो मैं टूर दे ही देती हूँ। वी हैव अ बाथटब, ये वी हैव अ बाथटब फाइनली। मैं गौरव को बोल ही रही थी, गौरव मुझे एक बाथटब चाहिए। आई मीन आई एम इन, वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव चप्पल, हमारे पास प्रेस भी है बट हमने प्रेस करनी नहीं है, फ्रिज, चाय स्टेशन, वी हैव द चाइज, प्रीति बेड, वी हैव अ छोटा मोटा सोफा एज वेल, वी हैव अ वर्किंग स्टेशन एज वेल, एंड वॉट इज आउटसाइड, आउटसाइड इज कोई बालकनी है ये तो, सिटी व्यू, सिटी व्यू, ओके कूल, लव्ड द रूम यार। सो भाई, रेडिसन का खाना कुछ इस तरीके से है, दाल मखनी मंगवाई है, ये है लच्छा परांठा, और लच्छा परांठा का साइज है कुछ मेरे हाथ से भी छोटा। टेस्ट कैसा है? टेस्ट इज गुड, चलो गुड। क्या हुआ? दिल तो बच्चा है जी, मगर सांस चढ़ गई है जी। मजा आया कूद के, घर के बेड पे तो कर नहीं सकते, टूट जाएगा। तो क्या तोड़ दो। खलास, मजा भी आता है, पता है स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं। चलो चलो आओ।